लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भोजपुर आरा में समरणालय के पास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में बढ़ती अपराध एवं जंगल राज्य के खिलाफ स्वर्ण व्यवसायी डॉक्टर हरिजी गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए तारीख 8/11/2022 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और बड़हरा विधायक राघवेंद्र सिंह की जुबानी ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह की खास रिपोर्ट में। सर अपराध तो बढ़ा ही है, लेकिन आपके तरफ से जो धरना दिया जा रहा है इससे कैसा लगता है, दबाव पड़ेगा क्या इन पर? देखिए हम लोगों ने जो धरना कहा उसके पहले शहरबंदी भी और लगातार जिस दिन से उनका शव मिला और इस घटना की जानकारी मिली है उस दिन से हम सड़क पर हैं। और क्यों केवल यहीं की बात नहीं है, पूरे राज्य में यही स्थिति है। कटिहार की खबर आपको मिली होगी, सिवान की भी खबर आपको मिली होगी, मुंगेर की भी घटना का पता चला होगा आपको, पटना में बेटा में आपको जानकारी मिली होगी, बक्सर की जानकारी आपको मिली होगी। कोई ऐसा जिला नहीं जहां रोज कुछ न कुछ हत्याएं नहीं हो रही हैं और किसी न किसी बिहार के कोने में कुछ अपहरण की घटनाएं नहीं हो रही। तो यह तो होना था और नीतीश कुमार भी जानते थे कि यह होना, लेकिन सत्ता के लोभ में और अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए और शायद मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री भी बनने के लिए, जो उनकी मंदर महत्वाकांक्षा जाग गई है, तो उस लिए वो ये सब बिहार को जंगल राज के उस गर्त में ढकेल के गए। देखिए 17 साल हम लोगों ने संघर्ष किया है, उनके साथ किया है, उनको आगे करके किया, वो आगे नहीं थे, हम लोगों ने आगे किया कि बिहार में सामाजिक न्याय के साथ और सबको ले करके भी और हम यह लड़ाई लड़ें और यह जंगल राज की समाप्ति हो, लालू के अत्याचार जुल्म और कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति मिले। और लड़ते हुए हम लोगों ने 2005 में सत्ता हासिल करने में जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने में हमें सफलता मिली थी। और उस समय हाथ लहरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोला करते थे कि यह जंगल राज है, जंगल राज हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जंगल राज तो न्यायालय ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जंगल राज के खिलाफ हम लोग एक हैं। और इसलिए और वो बराबर कहते थे कि गाड़ी में जो सौदे बैठते हैं बंदूक का नाल शीशा के से बाहर करके खिड़की से बाहर कर और वो दिखाते थे, चलते थे, चौराहे पर उतरते थे, फायरिंग भी करते थे और दहशतगर्दी का वह आलम था। कहीं से कुछ जेवर उठा लिया, किसी की गाड़ी उठा लिया, किसी का अपहरण कर दिया, बलात्कार कर दिया, वो राज नीतीश कुमार ने फिर वापस। हमारे यहाँ के एक प्रमुख व्यवसायी और एक लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता हरिजी गुप्ता की निर्शंस हत्या कर दी गई, उसके कारण वो मुख्य कारण है। इसके अलावा पूरे राज्य में जो अपराध की वृद्धि हो रही, जब से नीतीश जी ने राजद के साथ जाकर के अपने सरकार का गठन किया है, तो बिहार में लगातार अपराध की वृद्धि हो रही। मैंने अपने साथियों से कहा, आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, मैंने कहा कि देखिए मैंने बहुत नज़दीक से वहाँ देखा है, मैं वहाँ का एक सदस्य रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, ये बातें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी ये कल्पना से बाहर, क्योंकि उस समाज में ऐसे सहके हुए लोग हैं कि वो कोई भी समझाए, कोई भी कितना कहे वो मानेंगे नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं हरिजी गुप्ता की हत्या। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, जब तक हरिजी गुप्ता के प्रमुख हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और साथ में हमारे विधानसभा में बड़ारा में भी दिन दहाड़े थाना के सामने जो दुकान है उसमें अपराधी घुस करके किसी पर गोली चलाते हैं, उसको घायल कर देते हैं, ये हो क्या रहा है? इसी के प्रतिकार में हम लोग आज अपने पार्टी अध्यक्ष प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी के निर्देश पर मांग क्या है, क्या न्याय दिलाने की मांग है कि जल्दी से जल्दी उस हत्यारे को, जो प्रमुख हत्यारा है,
उसको गिरफ्तार किया जाए। और आज सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम खोज रहे हैं, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, फलना है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि हत्यारा कहाँ छिपा हुआ है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। और पूरे बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, यदि वो बंद नहीं होती हैं, तो हम जनता का सहयोग लेकर के अपना आंदोलन जारी रखें।